हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षी गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वाइजेग में एक गैस लीकेज हुआ है जो कि एक बहुत दर्दनाक घटना थी। उसी को समझते हैं कि वाइजेग में कौन सी गैस लीक हुई है, कौन सी कंपनी थी, कौन सी फैक्ट्री थी। चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाइजेग है कहाँ। अब आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में वाइजेग आपको दिखाई दे रहा होगा। वाइजेग और विशाखापट्टनम, आपने वाइजेग और विशाखापट्टनम का भी नाम सुना होगा, बट हाँ मैं बता देती हूँ कि वाइजेग और विशाखापट्टनम में अराउंड 16 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसीलिए विशाखापट्टनम के पास ही बोली जा रही है। ओके, तब देखते हैं कंपनी क्या कौन सी थी। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गैस कौन सी लीक हुई है। गैस टाइरीन गैस लीक हुई है एक स्टोरेज टैंक से, जो कि थी एलजी केमिकल पॉलीमर्स कंपनी से। फैक्ट्री 1961 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका ओरिजिनली जो नाम था वो था हिंदुस्तान पॉलीमर्स, जो कि किस लिए बनी थी, पॉलिस्ट्रीन के मैन्युफैक्चर के लिए। अब पॉलिस्ट्रीन क्या चीज़ है, पॉलिस्ट्रीन प्लास्टिक को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज पॉलिस्ट्रीन ही एक बात एक हिसाब से बोले तो पॉलिस्ट्रीन से ही प्लास्टिक बनती हैं और ड्यूरेबल प्लास्टिक बनती हैं। ओके, इस अब ये जो हिंदुस्तान पॉलीमर्स थी, इसको मैकडोवेल एंड कंपनी में मर्ज करा गया था 1978 में, और उसके बाद 1997 में साउथ कोरियन की कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया था, मतलब अपने नाम कर ली थी। ओके, तो साउथ कोरिया एलजी केमिकल के नाम से जो कंपनी थी, ये साउथ कोरियन कंपनी है जिनमें इसका नाम बाद में चेंज करके एलजी पॉलीमर्स कर दिया था। ओके, देखते हैं आगे आपकी स्टाइरीन क्या है। स्टाइरीन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, स्टाइरीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C8H8। ये बेंजीन के टाइप का होता है, कुछ बेंजीन से बड़ा है। ये फैक्ट्रीज में स्टोर होता है एज अ लिक्विड, लेकिन ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम रखना पड़ता है। ओके, अब स्टाइरीन किस लिए यूज होता है। स्टाइरीन एक मेन रॉ मटेरियल है सिंथेसिस के लिए, यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलिस्ट्रीन। मतलब क्या हुआ, पॉलिस्ट्रीन एक पॉलीमर है, एक बड़ा रूप है, और स्टाइरीन एक छोटा है मोनोमर है, मतलब एक छोटा रूप है। ओके, जिसे मैंने अभी बताया आपको कि पॉलिस्ट्रीन जो होता है वो बड़ी चीज़ों के लिए, मतलब ड्यूरेबल प्लास्टिक को बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, माइक्रोवेंस हो गए, या फिर हमारी ये जो हम लोग पानी की बॉटल यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक, उस प्लास्टिक में भी पॉलिस्ट्रीन का यूज होता है, या फिर हमारे जो वॉशिंग मशीन होती है उसकी जो प्लास्टिक की बॉडी होती है उसमें भी पॉलिस्ट्रीन का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में से कंप्यूटर्स में, फूड पैकेजिंग में भी सब में पॉलिस्ट्रीन का यूज होता है। ओके, देखते हैं आगे। अब अगर क्या हो जाए, अगर पॉलिस्ट्रीन जो स्टाइरीन गैस है वो कोई इसको बहुत देर तक एक्सपोज कर ले, मतलब इनहेल कर ले, तो सबसे अफेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमें सांस नहीं आती, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, इनडाइजेशन मतलब उल्टियाँ आने लगती हैं, इरिटेशन है, आईज में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, और अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। जो हमारी नोज से नोज की जो मेम्ब्रेन होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है जैसे ही हम स्टाइरीन गैस को इनहेल करते हैं। ओके, अगर कोई इंसान बहुत देर तक स्टाइरीन गैस इनहेल कर ले तो चांसेस हैं कि वो उसको ल्यूकेमिया हो जाए। ल्यूकेमिया क्या है, ये टाइप का ब्लड कैंसर है, और उसको हेडेक्स भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे। जैसे कि एक्सप्लेन करा गया है, मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि स्टाइरीन को गैस टैंक में स्टोर करते हैं और अंडर 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कम ही रखना होता है। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है आजकल COVID-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो फैक्ट्री क्लोज थी 44 डेज के लिए। तो ये माना जा रहा है कि स्टोरेज टैंक के चारों तरफ गैस जमा हो गई, बाहर से वो उसका कोई मतलब संपर्क टूट चुका, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया 20 डिग्री सेल्सियस से, इस वजह से स्टाइरीन जो है वो वेपराइज करके उड़ने लगी, जिसको हम बोलते हैं ऑटो पॉलीमराइजेशन, और वो इतनी ज़्यादा उड़ गई कि वो लीक हो गई। ओके, तो ये था सब आज पूरी वीडियो का एनालिसिस। बाकी इसमें जो भी अपडेट्स होंगे वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।